ये वादियाँ हुस्न दिखा रही हैं, यहाँ अपनों का तमाशा कम होता है। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि पहाड़ों के अंदर लोग खेतीबाड़ी किस तरह करते हैं और किन चीज़ों से करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, करता हूँ सब खैर होंगे। सो आज मैं मौजूद हूँ अपने गांव में और यहाँ से हम जा रहे हैं पहाड़ों के दरमियान, एक पहाड़ के दरमियान। और यहाँ से अगर आपको बाहर का नज़ारा कराऊँ तो ये देखें बाहर की इतनी मज़े की सीनरी है, क्या बात। ये पहाड़ों के सीन है। सो हम जा रहे हैं एक पहाड़ पर और आपको दिखाएँगे कि गाँव में पहाड़ों के दरमियान हल कैसे चलाते हैं। तो लेट्स गो। वीडियो हम कोई ट्रैवल नहीं कर रहे, ना ही किसी ट्रैवल पॉइंट या डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, बल्कि शिराज की तरह आपको दिखा रहे हैं एक गांव जो है ना, उसके पहाड़ी इलाकों में किस तरह हल चलाया जाता है। ये हल वाले भाई आगे जा रहे हैं, आ रहे हैं पीछे पीछे। चलने के बाद इतने खूबसूरत नज़ारे जो हमारे सामने आए वो ये देखें, सामने पहाड़ के ऊपर बर्फबारी हो रही है और ये नीचे जो गांव है जिसे हम आए हैं, कमाल का सीन और कमाल का। वो सामने चिनारी बाजार है, ये देखो भाई साहब, अचानक से एक और खूबसूरत वैली। और ये सामने देखो भाई साहब, स्नोफॉल, सारी स्नोफॉल। और यहाँ से नीचे देखो पूरा गांव, खूबसूरत वैली। काफ़ी देर बाद हम जो है ना हाइक करते करते जंगलों में घुस गए हैं, बहुत घना जंगल आ गया है। और अगर बात की जाए बारिश की तो वो भी बड़ी तेज़ बारिश लगी हुई है। ये कोई वेदर, क्या ही खूबसूरत नज़ारे भाई साहब। हमारी तरफ अल्लाह पाक का करम है और सामने देखें खूबसूरत नज़ारे हैं कुदरत के। कुदरत ये किसी किसी को दिखाती है। जंगल के दरमियान से चेक करें पहाड़ की और बर्फ की चोटी, एक और जंगल भाई साहब। ये हम जंगल क्रॉस करते हैं फिर जंगल, ये बहुत घना जंगल है, इसको क्रॉस करने की बारी है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो जंगल बताया था कि हम इस जंगल में जाएंगे, और अभी उस ही जंगल से गुजर रहे हैं। और आप ये नोट करें कितना घना है, कितने ज़्यादा दरख्त हैं इसके। अगर हमारी कोई 6-7 घंटे की राइड, कह रहा हूँ राइड, हाइक होगी, या 7 घंटे की हाइक के बावजूद हम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे, बस कुछ ही फ़र्क रह गया है। सीनरी जो आप चेक करें, आप फॉरेस्ट की क्या बात है। अभी तेज़ बारिश है तो हम लोग इस दरख्त के नीचे खड़े हुए हैं। और हाँ जी, और रात का वक्त भी करीब आ गया है क्योंकि कुछ बारिश बहुत तेज़ है। हाँ जी भाई साहब, क्या मज़े। अब एक बैल पीछे है और दूसरा बाल ये है बैल। माइंड ब्लोइंग सीन यार, माइंड ब्लोइंग, वाह क्या बात है। कुदरत के क्रश में देख लें आप। अभी मैं वहाँ से जूम करता हूँ इसको। ओए होए होए होए, क्या ही खूबसूरत बात यार। एक मिनट में खड़ा होकर यहाँ पे जूम करता हूँ, आपको फिर चेक करवाता हूँ।
अब ये चेक करें, क्या बात है। अब चेक करें, मैंने पहाड़ को जूम किया, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा नज़ारा कभी आपने देखा है ज़िंदगी में? क्या बात। इस तरफ भी आप देखें, कुदरत के करिश्मे, सब कुदरत दिखा रही है। भाई साहब आपको तो भूख लग गई है, इन जनाब को भूख लग गई है। चलो यार चलते हैं, ये नज़ारे मेरा जो है ना दिमाग फ्रेश करने वाला है, ब्लोइंग मैं इन्हें कहूँगा, माइंड ब्लोइंग। फिर एक बार जूम कर रहा हूँ, ये सारा अपना गुलमर्ग का कोई शहर है, इसको मेरा ख्याल है बोलते हैं बारामूला टॉप शायद। ये सब LOC एरिया है, बारामूला टॉप आई थिंक, या का कोई सीन है इसका। लेकिन दिमाग को फ्रेश करने वाला सीन है। और यहाँ पे बादल तंग कर रहे हैं, ओए होए होए, इस तरफ भी माइंड ब्लोइंग यार। यहाँ पे इंसान का दिमाग फ्रेश होता है, इस जगह पे आके पता चलता है कि ट्रैवल कहानी कौन सी है। और हम लोग इधर पहुँचेंगे, इस जगह पे बहुत करीब आ गए, और ऊपर से मगरब भी हो गई है, और यहाँ पे बादल बरस रहे हैं, ये देखें सब बादल बरस रहे हैं, क्या कुदरत का करिश्मा है। फाइनली जी हम पहुँचाए हैं, लेकिन ये है कि बारिश बहुत तेज़ है। हाँ जी पहुँचाए हो। सो यहाँ पहुँचने पे से पहले सबसे पहला काम जो हमने किया वो किया, हमने पानी की तलाश में आए। पानी तो हमें पता था चश्मा कहाँ पर है, उसकी वजह यह है कि खाने पकाने के लिए भी और जो ज़रूरत में आता है वो पानी है। तो चश्मा देखें आप, ये कितना जो है गांव का चश्मा है, ये देहात का, ये चेक करें आप, क्या पाइप लगाया हुआ है और यहाँ से ये पानी निकल रहा है इस जगह से, और ये सामने लगाया हुआ है पाइप, और इस तरह का सीन है। तो जी रात नाइट स्टे करने के बाद सुबह सुबह कबाइल का खूबसूरत नज़ारे आपको करवाऊं मैं, तो ये देखें आप, सो जी सुबह सुबह का माहौल ये है कि कुछ गांव की चीज़ें आपको दिखाते हैं, और यहाँ के बहुत खूबसूरत नज़ारा है। सुबह यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हम आपको दिखाएंगे खूबसूरत इलाके। तो लेट्स गो ऑन, भी है लेकिन ये है कि इस पे अभी सनसेट इधर से हो रहा है ना, तो नज़र नहीं आ रहा, सॉरी सनराइज मैं कह रहा हूँ, सनसेट। आसमान तो आज बिल्कुल ब्लू है ना यार, बहुत ही खूबसूरत। पहले ही खेत में पहुंच के और सब हम जो है ना इस खेत में रखने वाले हैं। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आ जाओ जी आ जाओ, ये परेशान हो गया, ये हल झुंड को देख के परेशान हो गया। आ जाओ ए भाई साहब, खुदाई कर रहे हैं मोड़ में, और ये जो है ना हल चला दिए। ये जी हमने बैलों से हल चलाया था, गए हैं दोनों, और अभी ये कोई इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। मिलते हैं जी अगली अच्छी वीडियो में अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।